वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोग का। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो अपकमिंग बीपीएससी की वैकेंसी है, एसटीयू एग्रीकल्चर और बीओ की जो वैकेंसी है अपकमिंग, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड वेलकम यू ऑल फॉर दिस टेस्ट सीरीज। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लोगों का डाउट्स बहुत आ रहा है, जो मैं 2-3 बार क्लियर किया हूँ, तो जिनको डाउट्स है आई थिंक पीछे का वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम लोग फोकस करते हैं अपने जो सिलेबस है, एंड एवरी डे मैं एक एक टॉपिक कवर करूँगा, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए रैदर देन हम वापस से वही वही नोटिफिकेशन का डाउट्स को क्लियर करें। या चलिए आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे उसमें आप 4 टॉपिक है। 2 मिनट क्विकली में नोटिफिकेशन का जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सिलेबस पे 2 मिनट लगाएंगे, पैटर्न पे भी। आज हमारा मेन जो टाइम है वो हम एक एक टॉपिक का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि देखा ही गया है जो तैयारी के नाम पे लोग होड़ मचा के रखे हैं। ये 50-100-100 पेज का हर का पीडीएफ, इतने एक सब्जेक्ट का इतने 20 पीडीएफ करते हैं ना, पता नहीं कैसे कंसाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। वो देख के ना दिमाग ऐसा लगता है कि आज भारी हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों को, डाउट्स को हम क्लियर करते हैं, करना क्या चाहिए उसमें। और बहुत सिंपल है, आप लोग सिर्फ हम यूट्यूब पे भी जुड़े रहिएगा तो आपको एक गाइडलाइन मिलते रहेगा। और जिनको फंडामेंटल्स के इश्यूज है तो आई थिंक हम लोग के साथ ऐप पे जुड़िए। ऐप के बारे में हम ज़्यादा आप डिटेल नहीं बताएंगे, आप देख लीजिएगा पहले क्लास में। तो चलिए, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सिर्फ 2-3 डाउट्स है, ज़्यादा नहीं, जो मैं क्विकली बता देता हूँ। टोटल जो 4 वैकेंसी है, ये फर्स्ट 3 वैकेंसी है आपकी लेवल 9 की, ठीक है? लेवल 9 जो कि एसडीओ एंड डिप्टी पीडी, ठीक है? और ये जो 4th है, वैकेंसी नंबर 21, ये है आपका बीओ का। क्लियर है ये? इसमें कंफ्यूज मत होइए। दूसरी चीज, ये बिहार कृषि सेवा है एंड ये लास्ट का है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा है, फर्क है दोनों में, ठीक है? सीट्स काफी है, सीट्स के बारे में हम वापस अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार और मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जो कार्य अनुभव में दिया गया मार्क्स है, जो आप देख रहे हैं ना, जो 25-75 का मेरिट है, एग्जाम्स है, एंड 25 का एक्सपीरियंस है, इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, ये सिर्फ लेवल 9 के लिए है, लेवल 9, बीओ के लिए नहीं है ये, ठीक है? ये बीओ के लिए नहीं, आपका नहीं है। और उसमें भी एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया होगा, किया होगा, इसमें बहुत लिखा है संविदा के आधार पर, ये देखिएगा, समान कार्य पे जो काम कर रहे होंगे उनके लिए, ऐसा नहीं किया। जो आप ना, जो लोग एटीएम बीटीएम ऐसे लोग खुश हो रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष समान पद पर कार्य किए हैं ये लोग। आप लोग या तो पढ़िए ठीक से, यानी तो बताएं तो समझिए ना, गलत अफवाह मत फैलाइए। ये बेसिकली ये है, समान पद पे मीन्स लेवल 9 पे, यदि कोई अभी संविदा पे डिप्टी पीडी हैं या ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, उनको इस वैकेंसीज में वेटेज मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये अप्लीकेबल बीओ पे नहीं है। देखिए, बीओ का जो नियमावली है, विज्ञापन संख्या 21, इस पे है सिर्फ मेरिट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत एक ही इसमें पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। कुछ लोग ऐसे ही भ्रम फैला रहे हैं जो सिर्फ आईसीआर यूनिवर्सिटीज़ का होना चाहिए इसमें, कहीं भी ऐसा, या ऑनर्स होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, ऐसा इसमें कोई आईसीआर का जिक्र नहीं किया गया है। तो जो लोग भी बीएससी एजी हैं, बीएससी एजी,
वो भर सकते हैं ना। आपको आईसीआर वाला पॉइंट्स मेंशन नहीं किया गया है, तो आप सब लोग जो बीएससीएजी हैं जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से भर सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें ये डाउट है, आप कम जो चार वैकेंसीज है तो चार एग्जाम होगा इसके लिए, अलग अलग एग्जाम होगा आपका। वैकेंसी नंबर 18, 19, 20, 21 ये आपका बीओ के लिए है, ये आपका एसटीओ एग्रीकल्चर के लिए है, कृषि अभियंत्रण के लिए है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पौधा संरक्षण। ठीक है, तो ये चार अलग अलग एग्जाम्स होंगे, आप ये मत करिए जब एक ही एग्जाम्स होगा बी के लिए। ठीक है, लेवल 9 का 3 एग्जाम और लेवल 7 का 3 एग्जाम्स। ठीक है, हाँ एग्जाम्स के मार्च में आई थिंक आप वीडियोस देख लीजिएगा, एग्जाम्स के बारे में मैं क्लियर कर दिया हूँ। ऐसा लाइकली संभावना है जो अभी नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा, बट आपको वो चीज़ के लिए आप तैयारी आपको ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डेज। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो लोगों को एक नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग डाउट्स है वैकेंसी के रिगार्डिंग सिलेबस का, वो हमारा पीछे का वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईएएस एकेडमी का, या इस ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, आपको लेटेस्ट सारे अपडेट मिल जाएगा इस पे, आप जुड़ जाइए। ऐप जो भी हमारा इंस्टॉल करने का या डिस्क्रिप्शन के लिए जो ये होगा, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा या चैनल को लाइक कर दीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी हम अपडेट देते हैं आपको करेक्ट अपडेट मिले, राइट। आज हम करने ये वाले हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, आज प्लांट पैथोलॉजी लेंगे, करने ये जा रहे हैं ना हम नॉर्मल क्वेश्चंस आपको करेंगे। और एक होता है क्या, जब आप ABCD करते हैं और एक हम 5 क्वेश्चन देते हैं, तो ये देखेंगे ना जो आप कैसा क्वेश्चन करते हैं और कैसा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंस दिखाएंगे ना जो आपको। देखिए हमेशा एग्जाम्स में देखिएगा 30 से 40 क्वेश्चंस होगा, कॉमन क्वेश्चंस होगा, वो सब करेंगे। उसके बाद होता है 10 अनदर जो होता है 10 क्वेश्चंस रहता है ना, उसके लिए थोड़ी सी ना ट्विक रहती है, मीन्स 50 क्वेश्चन तक एवरेज लोग पहुंचता है। इसके ऊपर जो एक एक नंबर होता है ना, एक एक नंबर करना वो निहायत ही टफ होता है, एक एक क्वेश्चन पे फिर सिलेक्शन डिसाइड करता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ के लिए आपको मैं 4 बुक बोल दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके लिए हमें आपको कैसे पढ़ना है, और देख रहे हैं लोग 50-50 पेज का नोट्स एक का, और पढ़ते हैं कंफ्यूज रहते हैं पता नहीं। पहले सोचिए ना जो क्या पढ़ रहे हैं ना, रेस में दौड़िए मत ना, वो देखते किसी को कर लिए इतना मोटा बुक्स ना, बस आप भी ना एक देखते हैं, एक आदमी के पास ना एक सब्जेक्ट का 10 तरह का नोट्स है, मतलब करना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। 50-50 पेज का ना अलग अलग तरह का नोट्स, किसी नोट्स में कुछ किसी कोई वैरायटी पढ़ रहा है, कोई वो पैथोलॉजी का बुक्स पढ़ रहा है, कोई ब्रीडिंग का बीडीसी का बुक पढ़ रहा, करना क्या चाहते हैं लाइफ में ये तो बताइए। और इस तरह से एग्जाम के लिए तो होता है क्या, इस तरह से रैंडमली कभी किसी को पढ़ते कुछ देख लिए तो कुछ पढ़ लिए, ये सब करके ना आप सिर्फ आपको ये मिलेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है सिलेबस टोटल पेपर 1 में 8 पेपर है, पेपर 1 में और पेपर 2 में 8 है। ठीक है, और इस तरह से ना एक एक सब्जेक्ट के पीछे ना, एक सब्जेक्ट पे 10 तक टाइप का नोट्स के पीछे भागेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस डे बाय डे गिरेगा। आप जितना पढ़िएगा ना और जितने टाइप का नोट्स पढ़िएगा आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, और आपको मल्टीपल कन्फ्यूजन होगा पढ़ना क्या चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूँ आप 200 पेज का नोट्स पढ़ रहे हैं, और जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विक किया जाता है ना, तो आप चारों गिर जाते हैं, सर याद नहीं है, या ये तो नहीं पढ़े थे हम, तो कुछ और पढ़ लिए थे ना। 20 पेज पढ़िए उस सब्जेक्ट का, 20 पेज, और 20 पेज इतना कंक्रीट रखिए जो कुछ भी पूछे ना, बाएं दाएं ऊपर नीचे कितना भी ट्विक करे आप हिलेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। और मैं आपको आज साबित करूंगा ना, सफलता की गारंटी मैं ऐसे नहीं देता हूँ कि आज आप जुड़िए ना, आप कहीं से भी उठा के किसी बुक से क्वेश्चन पूछिए ना और बनाया क्वेश्चंस,
और आप ये इधर उधर का नोट्स जो करते हैं ना, हर आदमी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, इतने लंबे लंबे नोट्स से बचिए। ये देख रहे हैं किसी को हॉर्टिकल्चर का 400 पेज का नोट्स लेके पढ़ रहा है ना, पता नहीं अब उसमें पढ़ना क्या है, रखना क्या है, या उस 400 पेज को 4 पेज में आप कंसाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि काम का चीज़ तो इतना ही रहता है, बाकी तो वो स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए रहता है। 400 पेज आपके लिए नहीं है, जो MSc हॉर्टिकल्चर करता है या BSc हॉर्टिकल्चर है उसको ना 8 सेमेस्टर देने के लिए 400 पेज चाहिए था। आपको 400 पेज का पूरा नहीं पढ़ना है, आपके काम का क्रक्स जो है ना वही 10 पेज ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए गेट रेडी, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप लोग कैसा क्वेश्चंस में रिप्लाई करते हैं, क्या पढ़े हैं, और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग करिए, तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन करिए आप लोग, प्लांट, ये क्वेश्चन, प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, आपको इसी क्वेश्चंस का आदत है ना, देखते हैं कितने लोग सही का आंसर देते हैं इसका। बताइए पहला का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि आप प्रैक्टिस जो करते हैं ना आप ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, हमको पता है। ए बताइए, और चलो एक, सब लोग बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, सही नहीं लग रहा है, किसी और का कोई दूसरा आंसर है। ए सी, अच्छा एक सी वाले भी आ गए, कैंकर वायरस से होता है। ओके 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 ओके, हाँ अरे भाई इसमें सिर्फ डी तक है, ई कौन मार रहे हैं, पहला का आंसर में सिर्फ 4 ही चॉइस है, ई ई कौन मार रहे हैं। ए ओके ए, ठीक है वेरी गुड। इंटोमोलॉजिस्ट 4, चलिए ठीक है वेरी गुड, पहला का आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा का आंसर करिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन करने का आदत है ना, ये पूछेगा तो बना दीजिएगा, आपको यदि ये पूछ दिया ना, सेकेंड का आंसर बताइए, दो लिख के बताइए ताकि समझ में आएगा कौन सही आंसर दे रहे हैं, सेकेंड का आंसर बताइए। सेकेंड का, सेकेंड का आंसर सी, सी गोलू सिंह सी बता रहे हैं। ओके, श्वेता शर्मा ई बता रही है। ए सी डी, सी डी, ओके ओके ओके, पूछा क्या गया है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ लोग आंसर ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, और कोई और कौन कौन सा आंसर आ रहा है, सी। सी बी डी, ओके बी सी भी है आंसर, डी। देखिए प्रॉब्लम यही है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विक किया ना, इसमें ना 90% लोग आपका ना सबका आंसर सही था, यहाँ आते क्या गड़बड़ी हो गया, 20% लोग का भी आंसर सही नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो गया, वही तो क्वेश्चन था, कहाँ दिक्कत हो गई। किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं वही हम देखिए, आप इतनी कन्फ्यूजन्स क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है ना, बैक्टीरियल, जहाँ बैक्टीरियल आपको पूछे ना, जैसे आप याद रट लिए हैं, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, बट बैक्टीरियल डिजीजेज और क्या होता है ना, ऐसा पूछ दिया ना तो हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि अब बताते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए देखिए पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उनका सी का आंसर सही है। ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और सिट्रस कैंकर है, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज नहीं है। ठीक है, और इस तरह का कॉन्सेप्ट, अच्छा ई भी बता रहे हैं बहुत सारे लोग, वेरी गुड, ई नहीं होगा आंसर, ई इज रॉन्ग आंसर, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज नहीं है। अब देखिए कैसे पॉइंट्स को याद कैसे रखें या इस चीज़ को कैसे पढ़ा जाए, देखिए आपको हम दो चीज़ बताए थे, डिजीज दो ही टाइप का होता है, एक ये बायोटिक और बायोटिक, ये तो आप एग्री हैं। ठीक है,
ये बायोटिक जो आप फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स स्ट्रेस के वजह से जो होता है ना, नॉन लिविंग फैक्टर से होता है ना, अभी उसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। बायोटिक में दो ही मेजर है, या तो प्रोकैरियोट से होगा, यूकैरियोट से होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट में तीन है आपका, बैक्टीरिया, RBL, मॉलिक्यूल्स। बेसिकली आप लोग ये पढ़ लेते हैं ना, ज़्यादातर लोग को ये क्लियर नहीं होता है। आपको मैं एक पेज पढ़ा देता हूँ, उसका इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा चुटकी में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, जो बैक्टीरियल डिजीज में आपको सिट्रस कैंकर या फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल होता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था सिट्रस ग्रीनरी, ये RBL है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, रिकेट्स लाइक बैक्टीरिया से होता है। और वहाँ पे कॉर्न स्टंट दिया गया था, वो बेसिकली स्पाइरोप्लाज्मा से होता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब इसमें वन बाय वन होगा, जो रिकेट से और क्या क्या चीज़ें होती है, मॉलिक्यूल से और क्या क्या होता है, नाम्स बहुत कॉमन है। आप देखिएगा ना, फिलोडी और जो भी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल्स है आपका, माइकोप्लाज्मा से, स्पाइरोप्लाज्मा से। अब स्पाइरोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा का भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे डील करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली आप वन पेज पे ना लगभग सारे डिजीज को ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बहुत एराइज हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा जो स्टेटमेंट ट्रू करने वाला में आपको ABCD में लिख के दे देगा, जो सिट्रस कैंकर्स बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, सिट्रस ग्रीनरी RBL से होता है, ये लिख देगा आपको। कॉर्न स्टंट होता है ना, प्रोटिस्टा से होता है। आप कौन सा गलत आपको आइडेंटिफाई करना है, रेड डस्ट ऑफ मैंगो लिख देगा, जो रिकेट से होता है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ लीजिए ना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जो क्वेश्चन, इससे क्या क्या क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन मत पढ़िए, आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में संभावना देखिए ना, जब आपको कुछ भी पूछे ना या ऐसे चीज़ें ना, तो आपको फंगस वाले डिजीज तो हम क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, ये छोटे छोटे उसको आप मार्क कर लीजिए। जो नेमेटोड अलग से पढ़ना है, प्रोटिस्टा से कुछ खास नहीं होता है, आप देखिएगा ये दो तीन बीमारियां हैं, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे ना, जो इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, और फंगस का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, पूरा पैथोलॉजी खत्म हो जाएगा। आप जो एक एक क्रॉप का डिजीज होते हैं ना, देखिए आपने बैक्टीरिया की बीमारी रिकेट्स ये पढ़ लिया ना, तो आप कोई भी क्रॉप होगा ना, आप करते क्या है गलती, बोलेंगे तो बहुत लोग को लगेगा क्या जो सर ना ऐसा कर रहे हैं ना, या शिकायत कर रहे हैं, गलती क्या करते हैं हम, फंडामेंटल से यहाँ से डिजीज का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, और क्या करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर करो अपना, मैंगो में ये लगता है, बैक्टीरियल विट लगता है, पाउडर मिल्ड लगता है ना, पपाया में ये लगता है, गुआवा में। अरे ये कोई पढ़ने का तरीका होता है क्या, कुकरबिट्स में ये लगता है, भिंडी में ये लगता है ना, कुछ भी नहीं लगता है ना। आप फंडामेंटल्स पढ़ लीजिए यहाँ से, बैक्टीरियल डिजीज कहाँ लगता है, या फंगस का क्लासिफिकेशन है, और किस किस सेगमेंट्स में लगता है ना, 500 पेज का पोथी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक क्वेश्चन आप पढ़िए हमारे साथ, और वो कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन भी उससे छूट छूट गया ना, तो आप मुझे बोलिएगा सर आपने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उससे एक क्वेश्चन छूट गया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, वो नहीं होने देंगे, उसकी चिंता मत करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, मतलब जो आपको वन लाइनर वाले, जो आपको जहाँ पे गाइडलाइन देते हैं। मैं आपको जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको आदत है ना, यही आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप छोड़ के चले जाइएगा, बोलिएगा सर तो ऐसे ही टफ पूछते हैं ना। इसका बताइए, तीन कांस से बताइए, बंगाल फेमाइन किसके द्वारा होता है, ABCD। बंगाल फेमाइन किसके द्वारा, व्हीट स्मट से हुआ था, राइस का सीथ ब्लाइट से हुआ था, व्हीट का लीफ रस से हुआ, ब्राउन स्पॉट से हुआ था, किससे हुआ था। तीन का आंसर डी डी डी, किसी और का आंसर सब डी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बबलू बबलू क्या बी बता रहे हैं, डी ओके। बी बी चलिए, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। अब इसमें देखिए एक चीज, एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोग दे रहे हैं ना, इसमें ना 90% लोगों का सही है।
80,000 लोग भरेंगे एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 72,000 लोग सही आंसर बताएंगे। आप बताइए इस क्वेश्चन से सिलेक्शन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन से सिलेक्शन डिसाइड होगा क्या? जो फिल्टर आउट 1,000 करना है वो क्या इस तरह के क्वेश्चन से फिल्टर आउट होगा क्या? अच्छा, जो लोग हैं वो मुझे एक और चीज बताइए, ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ ऑफ राइस का ना पैथोजन का नाम बताइए क्विकली, देखते हैं कौन पहले बताता है। धीरज, एक्सेलेंट धीरज, वेरी गुड, हेलमेंथस पोदा मोदा जी, ओके गुड, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ ये उठता है ना, इस तरह के क्वेश्चन से सिलेक्शन डिसाइड हो पाएगा क्या? आप लोग खुद पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन नहीं डिसाइड होगा। सिलेक्शन डिसाइड होने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा। चलिए फोर्थ का बताइए, आप लोग आंसर देते हैं तो फोर करके दिया करिए ताकि समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉइल बॉर्न पैथोजन, अब इसमें देखते हैं कितने परसेंट लोग का सही है। बताइए चौथा का, फोर्थ का बताइए, फोर्थ का डी बता रहे हैं, ओके, चार का डी, ठीक है चार का डी, हाँ चार, ऐसे चार लिख के बताया करिए, चार का डी दो लोगों ने, चार का सी, ओके। सी सी डी, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, ए बोलने वाले पता नहीं, सी 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 डी सी, ओके, किसी का बी नहीं है आंसर, सरप्राइज, नो वन इज आंसरिंग बी, ए ए वाले बहुत लोग हैं आ गए हैं, ए ए बी वाले कुछ लोग आ गए हैं, डी 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 डी, ये किसी का आंसर नहीं है, सरप्राइज, सी 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 सी, बी भी किसी का आंसर नहीं है, माय गुडनेस, बी, अरे वाह आ गया एक बी, बी का आंसर बी भी आ गया, ठीक है ओके। चलिए लेट्स क्लोज, यही तो बात है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ ये तो बताइए, यहाँ पे तो एकदम सब लोग डी डी मार रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ, क्यों कंफ्यूजन हो गया? मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। अब क्या कहाँ, मतलब क्यों ऐसे क्वेश्चन से ना सिलेक्शन डिसाइड होता है, मैं आपको ना बरगला नहीं रहा हूँ और आपको ना उलझा नहीं रहा हूँ ना, बट आपको बता रहा हूँ ना, जब आप बचिए चीज़ों को और ये इस तरह से आंसर करना सीखिए, ठीक है, बी नहीं होगा, कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा ना, पहला चीज कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस से ना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं टेक्नोलॉजी पे बाद में आऊँगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिख रहा है सॉइल बॉर्न पैथोजन, लिख तो रहा है सॉइल बॉर्न पैथोजन, ब्लास्टनल कहाँ होता है, जब राइस जब ब्लास्ट होता है ना उसको आप कैसे सॉइल बॉर्न कर दिए, एयर बॉर्न है, लूजस मैट ऑफ वीट है ये भी एयर बॉर्न है ना, डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट ये जमीन में होता है ना, जो लोग ये एक को बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ना, दिस इज ये है आपका सॉइल बॉर्न पैथोजन है, कहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे आपको करना है, जैसे मैं पता है आपको, आपको बिलीव नहीं होगा, पैथोलॉजी ना आपको ना 10 पन्ना में पढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। देखिए प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन, एक पेज पे चार तो क्लासिफिकेशन है, इन्फेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करिएगा, स्प्रेड के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और जो इनोकुलम मल्टीप्लिकेशन होता है साधारण भाषा में समझिए, तो वो डिजीज जो प्लांट डिजीज है वो किस तरह का है उसके बेसिस पे है, इन्फेक्शन के टाइप पे है, उसका स्प्रेड कहाँ से हुआ है, सोर्स ऑफ, यहीं से आपका क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन यहीं से आया है, इसका रीच कहाँ तक है, किस स्केल पर है, और इसका मल्टीप्लिकेशन का रेट क्या है, यही चार फंडामेंटल्स है। अपना बुक छाक मारिए ना, आपको 50 पेज में निचोड़ है ये, 50 पेज का निचोड़ है ये, आपको जितना बुक्स
करिए ना, और पूरा पैथोलॉजी पढ़ के आइए ना आपको, यदि तब भी ना पॉइंट यही है, द होल पॉइंट इज यही है। अभी चलिए, और इस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको ऐसी कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ ना, यदि गलत होने की ना, आप अपनी मूर्खता से गलती करेंगे, अदरवाइज ना गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए इन्फेक्शन के टाइप पे दो टाइप का होता है, लोकलाइज, लोकलाइज से समझिए क्या, लोकलाइज का ये मतलब है जैसे लीफ स्पॉट या एंथ्रेक्नोज जो है ये लीफ के एक पार्ट पे होता है, लोकलाइज का ये मतलब होता है इसका स्प्रेड पूरे लीफ या पूरे प्लांट, एक जगह आया तो एक ही जगह पे रहेगा, इसका स्प्रेड तेजी से नहीं होता है, वहीं पे रहेगा, एक जगह इन्फेक्शन हुआ तो यहीं रहेगा, इसका स्प्रेड नहीं होता है। सिस्टेमिक डिजीज ऐसा है जैसे उसका इनोकुलम जैसे एक जगह पर गया ना तो पूरे सब जगह स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, एक पत्ता में लगा तो पूरा पूरे पेड़ में फैल जाएगा। लीफ स्पॉट एंथ्रेक्नोज के केस में ऐसा नहीं होता है, इस पॉइंट पे ही रहेगा, पूरे पत्ते को नहीं करेगा, इसलिए लोकलाइज है, मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस पे होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखिएगा ना, इस तरह से घुमाता है क्वेश्चन, जो कौन सा लीफ स्पॉट्स है, सिस्टेमिक है कि लोकलाइज है, एंथ्रेक्नोज है। ये बीमारी आपको जो डाउन मिल्ड्यू है या लेट ब्लाइट है, ये आपका देखिएगा तो स्प्रेड इसका होता है, यदि एक पत्ता में लगा तो सब में लगा। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन नॉर्मली, जैसे देखिएगा आप लोअर फंगस अपर फंगस पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली क्या, ये ना किस क्लास का है, स्टिकोमाइकोटीना है कि एस्कोमाइकोटीना है, ड्यूट्रोमाइकोटीना, वो क्लासिफिकेशन कंफ्यूज क्वेश्चन ऐसे ही करके किया जाता है, उस पर हम चलते हैं, ये दो चीज समझे। दूसरी चीज देखिए, उस डिजीज का स्प्रेड कैसे होता है, तो स्प्रेड का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो कोई भी बीमारी होगा, या तो सॉइल बॉर्न होगा, या तो सीड बॉर्न होगा, या एयर बॉर्न होगा, और क्या संभावना होती है, तीन ही होती है ना। ये बहुत सिंपल है पैथोलॉजी, आप लोग इसको ना इतना सिंपल पढ़िए और कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब सॉइल बॉर्न डिजीज भाई क्या होता क्या है, तो सॉइल बॉर्न डिजीज में देखिएगा डैम्पिंग ऑफ, जो आपका गलन लगता है, डैम्पिंग ऑफ किसकी तरह होता है, तो पिथियम एफेनाडर्मेटा, पिथियम का जो स्पेसीज है, ठीक है, या आपका रूट रॉट है जो राइजोक्टोनिया के द्वारा होता है, ये होता है। तो बेसिकली ये सॉइल बॉर्न डिजीज है बेसिक आपका, ये सब यही है। और ये यदि आप क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे तो ये आपको लोअर फंगस मैस्टिकोमाइकोटीना है, जब हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे मैस्टिकोमाइकोटीना का पार्ट होता है, वो क्या होता है हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे राइज हो जाता है ना, जो ये कौन से क्लास का है, मैस्टिकोमाइकोटीना का है, ये कैसे मल्टीप्लाई करता है। दूसरा देखिए सीड बॉर्न, सीड बॉर्न कौन कौन सा बीमारी आता है, तो जब हम पैथोलॉजी में फंगस की बात करेंगे, फंजीसाइड की, तो देखिएगा ऐसे बीमारी के लिए हम बेसिकली सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इसलिए बोला जाता है ना। देखिएगा जब डैम्पिंग ऑफ होगा तो कॉपर से आपको लेके, कॉपर या कार्बन डाइजिम से जाके घोल बना के ना सॉइल को ड्रेंचिंग किया जाता है ना। अब प्रॉब्लम ये है ना, फंजिसाइड्स और ये चीज़ ना एक है, अलग नहीं है, जो बीमारी सॉइल बॉर्न है उसके लिए क्या करिएगा आप, सॉइल ड्रेंचिंग करिएगा, ड्रेंच करते हैं कि नहीं सॉइल ड्रेंचिंग, आप क्या करते हैं उसका कॉपर सल्फेट और साथ में कार्बन डाइजिम जो बेवस्टीन से आप करते हैं, इसलिए किया जाता है ना। सीड बॉर्न जो हमारा क्वेश्चन था, वहाँ पे क्वेश्चन था, पूछा गया था, जो सीड बॉर्न डिजीज होती है आपको, सीड बॉर्न डिजीज में आप देखिएगा, बात करिएगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट है इसके द्वारा होता है, राइस का ब्लास्ट है, पैरिकुलोरिया हो जाए, सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस ना नॉर्मली पूछा जाता है। अब ये सवाल ये उठता है क्या, जो आप इस तरह से तैयारी करिएगा तो अभी देखिएगा, यदि लूज स्मॉट ऑफ व्हीट हो या ब्लास्ट हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट। तो जो कॉन्सेप्ट आता है ना फंजिसाइड मैनेजमेंट का, यहीं से आता है, सॉइल बॉर्न हो तो सॉइल ड्रेंचिंग, सीड बॉर्न हो तो सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो उसके बाद आता है तीसरा एयर बॉर्न, तो एयर बॉर्न में बहुत सारा वेराइटीज आता है आपको, जो लीफ स्पॉट से लेके, जैसे अब लीफ स्पॉट टिक्का ये सब देखिएगा, अर्ली लेट टिक्का जो आता है ब्लाइट, ये सब आपका एयर बॉर्न है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, आपको इस तरह से पढ़ना है
और ताकि आपको दिमाग में रहे, अच्छा सॉइल बॉर्न कौन सा है, सीड बॉर्न कौन सा है, या सीड बॉर्न आएगा तो उसका कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तीसरा देख क्लासिफिकेशन आपको हम बताते हैं, बोलते हैं क्या, जो ज्योग्राफिकल अकरेंस के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल अकरेंस के बेसिस पे किया जाता है, जैसे इंडेमिक है, इपिडेमिक है, कि पैंडेमिक है, कि स्पोरेडिक है, मतलब इसका ज्योग्राफिकल कवरेज क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे किया जाता है बेसिकली। जब इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, इंडेमिक्स डिजीज का मतलब ये होता है ना, जो इसकी जो कैपेसिटी होती है या मल्टीप्लीकेशन एक लिमिटेशंस में होती है, मतलब नॉर्मली आता है ये, बट उस स्केल में डैमेज नहीं करता है, कभी कभी ये ज़्यादा करता है, बट नॉर्मली एक लिमिटेशंस है इसकी ना, बहुत डिवास्टिंग नहीं होता है, जैसे सिट्रस कैंकर। अब जब वहाँ देख रहे थे ना, जब वहाँ पे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे, क्या क्वेश्चन करवा रहे थे, जो बैक्टीरियल जो सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, तो वहाँ से ये भी क्वेश्चन आया हो सकता है, जब ये सिट्रस कैंकर इंडेमिक है कि पैंडेमिक है, तो सिट्रस कैंकर जैसा चीज़ नॉर्मली पैंडेमिक नहीं होता है। ठीक है, इपिडेमिक बीमारी क्या होता है नॉर्मली, जिसका सडन आउटब्रेक होता है, डिवास्टिंग होता है, बहुत तेज फैलता है ये, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वीट का रस्ट है, ये सब देखिएगा तो आपको इपिडेमिक्स में आता है। पैंडेमिक, पैंडेमिक तो आप समझते ही हैं, जो पूरा ग्लोबल जिसका इम्पैक्ट हो, जिससे पूरा ग्लोब प्रभावित हो, पूरा अर्थ, ये एक बार, जैसे ये बहुत रेयर आता है, जैसे कोरोना आपका कोविड था, पैंडेमिक डिजीज, तो पैंडेमिक वंस एंड डिकेड या वंस 100 ईयर में आता है, ऐसे हमेशा नहीं आता है, ऐसा आएगा तो फिर पूरा चौपट हो जाएगा। स्पोरेडिक डिजीज का मतलब, वो स्पोरेडिक का ही मतलब होता है हियर देयर, इतना कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, जैसे फ्यूजरियम विल्ट ऑफ कॉटन, जैसे गुजरात में हुआ ना तो पंजाब में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो ये कॉटन मतलब पूरे वर्ल्ड में होगा, पार्टिकुलरली एक रीजन्स में होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बोलते हैं क्या, जो उसका मल्टीपल क्लासिफिकेशन का एक और बेसिस है, वो डिजीज SID है कि CID है। SID मतलब सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो आप, बहुत आसान भाषा है, सिंपल इंटरेस्ट का ये मतलब है, जैसे देखिएगा नॉर्मली जो साधारण ब्याज के तहत बढ़ता है, मतलब इसका ये मतलब हुआ, जो इसका स्प्रेड स्लो होगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब स्लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब फास्ट इंटरेस्ट होता है, ग्रो करता है। तो इसमें आप देखिएगा आपका पिथियम, राइजोक्टोनिया, ये सब की स्प्रेड जो होता है, तब अब ये देखिए, ये जिसका स्प्रेड स्लो होता है, जैसे सॉइल बॉर्न है, सॉइल बॉर्न, तब आपको क्वेश्चन यहाँ से अराइज क्या करेगा, क्वेश्चन क्वेश्चंस ऐसा ना हवा से नहीं पूछा जाता है, कुछ नहीं अराइज होता है, जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज है देखिएगा, वो आपको नॉर्मली इसका स्प्रेड स्लो होता है, और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग, तभी मीन क्वेश्चन ये उठता है, जो सॉइल बॉर्न और एयर बॉर्न, हम वहाँ पे देख रहे थे ना एयर बॉर्न, तो कभी क्वेश्चन दिमाग में आए, जो इस किसका स्प्रेड फास्ट होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एयर बॉर्न का स्प्रेड फास्ट होता है, सॉइल बॉर्न का स्लो होता है, समझ रहे हैं लॉजिक्स, ये यहीं से आता है, ड्राइव होता है। अब कभी भी सॉइल बॉर्न जो कोई भी डिजीज होगा आपको ना, उसमें आपको ध्यान रखना है इसकी स्प्रेड स्लो होगी, एयर बॉर्न होता है जो डिवास्टिंग होता है, वो बहुत तेजी से फैलता है, तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे आते, पांचवा क्वेश्चन बताइए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। प्लांट पैथोजेनिक वायराइड, वायराइड में क्या रहता है, बहुत सारे टर्म होता है, वायरस, वाइडवाइड, रिकेट लाइक बैक्टीरिया, PPLO, MLO, अब होगा क्या, जो अलग अलग क्वेश्चंस। हाँ जी, 5 का बताइए, टेस्ट सीरीज कब से अवेलेबल होगा, कल सुबह में हमारा, हम आपको बताएंगे कल 10 से 12 हमारा ऐप पे ट्रायल क्लास है, ये जो लोग ऐप इंस्टॉल किए हैं सब लोग बिना एडमिशन का, आप कल 10 संडे को, आपको 14 तारीख है ना, कल 14/1/22, ठीक है, कल आपको 10 बजे से ऐप पे टेस्ट है। ठीक है, आप ट्रायल क्लास में सब लोग जुड़ जाइएगा, कल हमारा टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का। 5 का बताइए, 5 का TDA, ओके, ज़्यादातर लोग का आंसर आ रहा है ए, ए, ओके, बी,
बी नीतीश बी होगा, प्रोटीन होता है इसमें बजट में। द करेक्ट आंसर इज ये, ठीक है। अभी चलिए, आई थिंक ठीक है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं बट बेहतर करने की ज़रूरत है। गुड इज़ नॉट एनफ, यू हैव टू बी बेटर, बेटर और बेस्ट होना पड़ेगा। ये गुड होने से ना सिलेक्शंस के लिए ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा काम होके ना पढ़िए आप, चाहे 2 ही घंटा बट सोच के पढ़िए ना क्या पढ़ना है ना। कंफ्यूज मत रहिए, ये पढ़ें तो वो छूट रहा है, वो पढ़ें तो ये छूट रहा है ना। अफरा तफरी मत मचाइए ना, अफरा तफरी मचाने से कुछ नहीं होगा। बाप रे, ये पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है, ये सब पढ़े कि वो पढ़े हैं, डिजीज पढ़े हैं तो पेस्ट छूट रहा है, एग्रोनॉमी पढ़े तो हॉर्टिकल्चर छूट रहा है ना। ये अफरा तफरी मत मचाइए ना, बहुत बेसिक रहिए और काम रहिए और सोच लीजिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। 5 का ए, चलिए वेरी गुड। अब यही है, ये जो आंसर आपको मिला है लगभग अगेन 90% लोगों का सही आंसर है। 6 का बताइए, 6 का बताइए, ठीक है ठीक है। धीरज सिद्धार्थ 5 का ए, 2 साल पीछे है। कैलेन चंदन सर, कैलेंडर में 2 साल पीछे, कौन सा कैलेंडर में 2 साल पीछे है भाई। 6 का बताइए, 6 का। सिक्स का बी ए टी, ओके बी, ओके बी बता रहे हैं लोग। और 6 का बी, 6 का ए, और कोई आंसर एनीवन। 6 का बी, श्वेता शर्मा बी बता रही हैं। लास्ट 10 सेकेंड, फटाफट। ए बी, ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं बी। माय गुडनेस, किसी का ना डी या कुछ नहीं है भाई। सेफ 6 पर है, 7वां मत, 6 का बताइए। ए बी ए बी ए बी, ओके ओके ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, बी आपका सही है। यदि कोच जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कम हुए होंगे, बी इज द राइट आंसर। अब इसमें देखेंगे बेसिकली, जो ए का तीसरा है, वायराइड से आप पढ़े हैं, स्पिंडल ट्यूब ऑफ पोटैटो होता है, वायराइड से येलो मोजैक होता है। सी का दूसरा है बैक्टीरियल से फायर ब्लाइट ऑफ, अभी अभी तो डिस्कस किया है इसको अभी थोड़ी देर पहले। और आपको स्पाइरोप्लाज्मा से कॉर्न स्टंट होता है, चलिए गुड, ये सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट कैसे किया जाए, या आपको लगता नहीं है क्या, आप बुक में सर्च करिएगा तो आपको ना कम से कम ना आधा दिन लगेगा इतनी क्वेश्चन सर्च करने के लिए। आपको ना इजी लैंग्वेज में हम ऐसे ही कर देते हैं, जैसे कि हम जब मेजो बायोटिक एजेंट पढ़ा रहे थे तो ये बोल देते, जो बेसिकली वायरस को, मेजो बायो, बहुत लोग क्या होता है वायरस पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, ये एक टर्म आता है नया जो हम बताते हैं, मेजो बायोटिक एजेंट होता है। मेजो मतलब हाफ पार्शियल होता है, पार्शियल लिविंग या पार्शियल नॉन लिविंग, बहुत यूनिक नाम है। इसको मेजो बायोटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो चीज़ है, जो लिविंग चीज़ है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, और इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है वायरस को, तो इसीलिए ये यूनिक कैरेक्टर है, मेजो बायोटिक बोला जाता है। लेकिन इसका लिविंग कैरेक्टर क्या है, तो इसको ना मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको मेजो बायोटिक एजेंट बोलते हैं। तो मेजो बायोटिक एजेंट 2 टाइप का होता है, वायरॉइड्स और वायरस। अब फर्क देखिए, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, वायरॉइड्स में जो लो मॉलिकुलर जो होता है वो आरएनए होता है, यही पूछा गया था ना। देखिए आपको 2 क्लास में ये हम बता रखे हैं, आप लोगों ने आंसर किया, आई एम हैप्पी। कुछ जो हमने बताया ना आप ध्यान रखे हैं। वायरस में जो है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, कोटेड विथ प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। तो इस तरह से यदि आप रखिएगा ना, तो फिर आपको आगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए जो पूरी डिजीज का मैं इसमें लिख दिया हूँ, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, वायरस, वायरॉइड्स। अब देखिए फंगस में तो आपको देखते हैं जो सेक्सुअल असेक्सुअल जो फिलामेंट्स है या ये हिस्से होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सेपरेट, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स रहता है, ध्यान रखिएगा। फाइटोप्लाज्मा में है जो ये रहता है, इसका साइटोप्लाज्म मिक्स रहता है, इसमें रहता है, राइबोसोम में रहता है, ठीक है। लैक ऑफ सेल वॉल ये होता है, और यूनिमेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक राइजोम में रहता है, ठीक
ठीक है, ये इसका कैरेक्टर है प्लियोमॉर्फिक, जो साइटोप्लाज्म राइबोसोम के साथ ये बाउंडेड रहता है ना, इसको प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म। वायरस के बारे में भी बताए, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है जो इसका जेनेटिक बॉडी है, और वायरॉइड्स में लो मॉलिकुलर भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन अपना, यही सब पूछा जाता है। जो ये हाई मॉलिकुलर लो मॉलिकुलर चॉइस में ये भी रहेगा, लो मॉलिकुलर वेट का रहता है ये आरएनए, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन बताइए। ये आई थिंक मैंने बुक से लिया है, अरुण कात्यान जी के बुक से लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बताइए सात का, सेवेंथ का आंसर करिए। दो क्वेश्चन और है, सात का सी बता रहे हैं, सात का, जल्दी फटाफट 10 सेकेंड में, सेवेंथ का सी सी डी। ओके ओके, सी 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 डी, एनीवन? एक दो क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, राजस्थान से सी, अदर स्टेट वाले जितने लोग हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में 25% सीट अदर स्टेट के लिए है, तो आप भर सकते हैं। बहुत सारा सीट है यहाँ पे, तकरीबन 300 सीट जनरल में है जो मेल फीमेल का, तो आप काफ़ी संभावना है, आप लोग भर सकते हैं। आई थिंक सी और डी में थोड़ा टसल है, द राइट आंसर इज सी, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है ना, ऐसे को ऐसे चीज़ को ना आप कैसे याद रखेंगे, तो बहुत, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा मैच करने में बोला जा रहा है ना, ये देखिएगा टिक्का, टिक्का आप देखिएगा, ये टिक्का है ड्यूटोमाइकोटीना का होता है ये सर्कोस्पोरा, ठीक है ठीक है। पाउडी मिल्ड्यू, पाउडी आप सबको पता है एडिसिफे होता है, इसका जो फैमिली है एडिसिफे। येलो रस्ट है पक्सीनिया, ठीक है। और ये तो बहुत नाम है, जो ग्रेप का डाउनी मिल्ड्यू, उसको प्लाज्म प्लाज्मोफोरा विटिकोला, इसका साइंटिफिक नेम है बेसिकली, इसका ये नाम लिखा है, सबका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो ये तो आसान है क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस चीज़ को ये घुमाया जाएगा तो इसको याद कैसे रखना है, तो बताने का ये तरीका है। ये हम आपको एक दिन इसके बारे में पूरा बता देंगे, आधा घंटा इसी को डिस्क्राइब करेंगे। जो फंगस का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने सिंपल आपको याद कैसे रखना है, ये आपको यू माइकोटा में देखिएगा, यू माइकोटा में जो आपका डिविजन्स है इसी में सारा चीज़ है। मिक्सो माइकोटा में बस एक चीज़ याद रखिएगा, एक जो सब डिविजन है वो याद रखिएगा, क्लब रूट ऑफ कैबेज, ठीक है, इसका स्पेसिस का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जितना है यू माइकोटा में आता है, और इसमें देखिएगा जो आपको सब डिविजन्स में मैस्टिको माइकोटीना, जाइगो माइकोटीना, एस्को माइकोटीना, बेसिडियो और ड्यूट्रो, ये तो सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पॉइंट इसमें ये उठता है, किसको कहाँ से जोड़ना है या कब कहाँ कैसे जोड़ना है, तो यार आपको जाइगो माइकोटीना इसमें बहुत पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा ना, जो नॉर्मली ऐसा कोई पैथोजन है नहीं, सॉफ्ट रॉट लगता है, तो इतना ये माइनर है, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको मैस्टिको माइकोटीना जो है लोअर फंगस है, वो लोअर फंगस क्यों बोलते हैं वो हम एक दिन आपको मंडे के क्लास में करेंगे। इसमें आपको दो ही चीज़ है, पिथियेसी एल्बिजिनेसी, ठीक है, ये है, और पर्नोस्पोरेसी, तीन फैमिली है जो आपको याद रखना है, तीनों में लिमिटेड है। एल्बिजिनेसी में जो आपको रस्ट आता है, वाइट रस्ट, ध्यान रखिएगा रस्ट ना, आप जैसे रस्ट पूछा जाएगा ना तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रस्ट में येल्लो रस्ट है या ब्लैक रस्ट है, येल्लो या ब्लैक रस्ट होगा तो होगा क्या, आपको यहाँ से होगा, ठीक है, बेसिडियो माइकोटीना। यदि रेड रस्ट होता है, रेड रस्ट एल्गी से होता है, देखे होंगे रेड रस्ट ऑफ मैंगो, और यदि आपका वाइट रस्ट है तो वाइट रस्ट लोअर फंगस मैस्टिको माइकोटीना से होता है, एल्बिजिनेसी फैमिली से होता है। और ये पूछा जाएगा किस क्रॉप, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो वाइट रस्ट है क्रूसीफेरस फैमिली में होता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था क्रूसीफेरस में आपको होगा, ऐसे आप याद रखिएगा।
जैसे फाइटोप्थोरा होगा, तो फाइटोप्थोरा बेसिकली डैमेज मेनली कहाँ पे करता है, तो आप याद रखिएगा सोलेनेसियस फैमिली जो है ना, आपको सोलेनेसियस में आपको जो लेट ब्लाइट्स है वो है। डैम्पिंग ऑफ से क्या होता है, तो आपको जितना जो रॉटनिंग होता है डैम्पिंग ऑफ से, इसके वजह से होता है पिथियसी से। उसका दूसरा है जो डाउनी मिल्ड्यू है आपका, डाउनी मिल्ड्यू बहुत डिफरेंस है। डाउनी पाउडी में बहुत लोग पूछता है ना, तो डाउनी मिल्ड्यू जो अभी हम ग्रेप का देख रहे थे, डाउनी मिल्ड्यू वो बेसिकली लोअर फंगस में आता है, मैस्टिकोमाइकोटीना में, ठीक है। ये है, अब इसी से क्वेश्चन अराइज होता है ना, जिसमें ना सॉइल बॉन्ड कौन सा है, सीड बॉन्ड कौन सा है। देखिए आप जैसे डैम्पिंग ऑफ है आपका, सॉइल बॉन्ड डिजीज है, अब हम देखे थे वहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है। इसमें देखिएगा जो डिजीजेज लिमिटेड है आपको पाउडी मिल्ड्यू में, जो इरिसिफी फैमिली जितना है, स्कैब है और इरगॉट है, यही तीन चीज़ है। बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इसको माइकोटिना को लेके। इसको माइकोटिना में डिजीज का संख नंबर्स ज़्यादा नहीं है, आपको लिमिटेड है। बेसिडो माइकोटिना में आपको रस्ट स्मट है, जो भी पक्सिनिया का जो भी जीनस स्पेसीज है, और आपको ऑस्ट्रेलिया का जितना है वो आपको देखना है। ये आपका बड़ा थोड़ा समुंदर है, जो कि आपको हम सिम्टम्स से बताएंगे। आपको ड्यूट्रो माइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें है क्या, आपको नंबर ऑफ डिजीजे और ये सबसे बड़ा है। तो ये हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस करना है, चलिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो देखिएगा करेक्टली पूछ रहा है। कैबेज में बोलता है अर्ली ब्लाइट, कैबेज में अर्ली ब्लाइट आता है क्या, नहीं। अर्ली ब्लाइट कैबेज कौन सा है, क्रूसीफेरस फैमिली है, क्रूसीफेरस, कोल क्रॉप। कोल क्रॉप कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कोल क्रॉप में आपको देखें वाइट रस्ट आता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट आपको आता है नॉर्मली, देखिएगा सोलेनेसियस फैमिली में, सोलेनेसियस में, ठीक है। कुकुम्बर में क्लब रॉट, क्लब रॉट किस रूट किस में आता है, कैबेज में आता है, कैबेज में। तो ये भी सेंटेंस सही नहीं है, ये भी गलत है। टोमेटो में बोलता है वाइट रस्ट, वाइट रस्ट किस में आता है, अभी तो बताए थे आपको। ये देखिए वाइट रस्ट आता है क्रूसीफेरस में। तो आपको ना ऐसा नहीं किया जाए, आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, आप इसे एनालिसिस निकालिए जो कौन में किस में क्या आता है, ताकि ना इससे सारी संभावना को, ये नहीं आप कहाँ से मिल गया आप भाग जाइए निकल जाइए ना, कि इससे ये नहीं होता है तो क्या होता है, क्लब रूट कहाँ पे लगता है, अर्ली ब्लाइट है तो कहाँ आता है अपना, यदि कैबेज में कौन सा कॉमन बीमारी है, पोटैटोज में आपको क्या लगता है, तो प्लेट पोटैटो में यदि नॉर्मली है जो आपको ना वार्ट बीमारी है तो लगता है, यदि अर्ली ब्लाइट बोला जाता तो ये भी लगता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लूज स्मट ऑफ व्हीट कैसे होता है बताइए। हाँ जी, लास्ट का लूज स्मट ऑफ व्हीट, एक्सटर्नल सीड बॉर्न, ठीक है, एक्सटर्नल सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न है या इंटरनल सीड बॉर्न। अभी आपको बताए थे एयर बॉर्न और सीड बॉर्न के बारे में, यदि आप थोड़ा सा ना याददाश्त पे जोड़ दीजिए ना, तो आपको अभी अभी बताए थे। नीतीश बता रहे हैं सी है, एयर बॉर्न है। लूज स्मार्ट ऑफ वीट, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ओके, धीरज, धीरज इज राइट, इंटरनली सीट बॉर्न। अभी अभी तो हम डिस्कस किए थे, जो यदि लूज स्मार्ट ऑफ होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सीट ट्रीटमेंट करते हैं, सीट ट्रीटमेंट करते हैं, यही करते हैं ना, ट्रीटमेंट करते हैं। ये बेसिकली इंटरनली सीट बॉर्न है। ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे सॉइल बॉर्न सीड बॉर्न, उसमें देखिएगा लूज स्मॉट ऑफ व्हीट है। देखिए हमारे नोट्स वो क्वेश्चन से नहीं, हम पहले से बना के रखते हैं। लूज स्मॉट ऑफ व्हीट है ऑस्ट्रेलियागो टेरिटरी जो है, देखिए ऑस्ट्रेलियागो है, या मतलब कुछ दिमाग में दौड़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ये है, मतलब ये आपको होगा बेसिडियो माइकोटिना, बेसिडियो स्पोर बनेगा इसमें, बेसिडियो, ठीक है। तो ये चीज़ ना दिमाग में बेसिडियो माइकोटिना का है, हायर फंगस है, ये दिमाग में करिए। अब कुछ जगह जैसे देखिएगा बेसिडियो माइकोटीना सॉइल बॉर्न नहीं, मतलब इसमें है देखिए सीड बॉर्न बता रहा है, सीड बॉर्न है ये सॉइल बॉर्न नहीं है जाता है बेसिडियो माइकोटीना, क्योंकि जो रस्ट के स्मट के स्पोर्स है ना, या तो सीड्स में होंगे या एयर बॉर्न होंगे, ये जमीन से सॉइल बॉर्न नहीं होंगे। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये इंटरनली सीड बॉर्न है, तो इसके लिए हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं।
सी ट्रीटमेंट करते हैं, सॉरी आपको दूसरा जो ब्लास्ट डिजीजेज है पाइरोक्लोरिया ओराइजी, ये भी आपका सीट बॉर्न है, एयर बॉर्न है। तो एयर बॉर्न में तो बहुत सारे डिजीजेज है, उसके बाद में आगे देखेंगे, ये हम आपको अभी समझा रहे थे। देखिए पढ़ने के लिए तो आप ना होता है पढ़ते हैं ना, और बहुत लोगों को देखे हैं ना अभी पैथोलॉजी पढ़ लिए और 15 दिन बाद ना वो पैथोलॉजी चले जाएंगे, तो उनका इंडेमिक इपिडेमिक सब आपस में मिल जाता है ना, इंडेमिक कौन है पेंडेमिक कौन है ना। आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा ना, तो स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब ही होता है स्प्रेड, मतलब यहाँ वहाँ ना एक पैचेज में होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स स्पोरेडिक का ये मतलब होता है, जैसे इंडिया का मैप बताइएगा इंडियाज में, या इंडिया में जैसे कॉटन होता है, तो कॉटन सभी स्टेट्स में है, बट कॉटन का फ्यूजरम विल्ट है, हो सकता है गुजरात में उसका अटैक हो, पंजाब में नहीं हो, तो स्पोरेडिक है, रीजन स्पेसिफिक है, या कुछ जगह पे हुआ है, महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ होगा, तो स्पोरेडिक इतना। पैंडेमिक का आपको पता है, जैसे पैंडेमिक का मतलब ही होता है ना महामारी, वैश्विक महामारी है, तो पैंडेमिक मतलब आपको पूरे ग्लोब में उसका डिवास्टिंग होगा पैंडेमिक, ठीक है, ये होता है। इपिडेमिक्स और इंडेमिक में फर्क एक ही चीज़ का समझ लीजिएगा, फर्क ये है इंडेमिक बीमारी, इंडेमिक का ये है लिमिटेशंस में होगा, ठीक है, मतलब उसका स्प्रेड है थोड़ा बहुत आएगा, जैसे सिट्रस कैंकर है, अर्ली ब्लाइट है, ऐसी चीज़ें ना थोड़ा बहुत आएगा, उससे पूरा का पूरा ना वर्ल्ड प्रभावित नहीं होगा या पूरा का पूरा डैमेज नहीं होगा। इसमें दिक्कत क्या आता है इपिडेमिक्स में, इपिडेमिक्स स्प्रेड कम रहेगा बट जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे ना तबाही मचा देगा। जैसे इसका एग्जाम्पल्स है आपको देखिएगा, जो बंगाल फेमाइन वाला जो बीमारी आता था वो इपिडेमिक्स था, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में वो डिवास्टिंग कर दिया था, पूरे ग्लोब में प्रॉब्लम नहीं था। जो आप बोलते हैं हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो बंगाल फेमाइन के लिए है, बंगाल फेमाइन ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये बेसिकली इपिडेमिक्स उस इसी वजह से इतना डैमेज हुआ था। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का। देखिए इंडेमिक डिजीजेज में आपको नाम नॉर्मली रखिएगा, जो देखिएगा आपको क्या क्या है, पोटैटो कोबार्ट डिजीजेज हम पढ़ रहे थे, जो अभी क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, ये दार्जिलिंग रीजन में देखिएगा इंडेमिक्स है, सिट्रस कैंकर है आपका, सोरगम रस्ट है, ये सब इंडेमिक है। इपिडेमिक का ये है कहीं मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर, जैसे वीट का स्टेम रस्ट है, आएगा तो उस पर्टिकुलर रीजन में देखिएगा, जो नॉर्थ का तराई क्षेत्र है या आपका ये जो नॉर्थ का बेल्ट है वहाँ पे पोटैटो का ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू है, राइस का ब्लास्ट है, तो ये सब इपिडेमिक्स है जो पूरे पैन इंडिया पैन वर्ल्ड में तो स्प्रेड नहीं होगा, बट जिस एरिया में होगा ना वहाँ पे सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होगा और लॉस बहुत ही डिवास्टिंग लॉस होगा, ये है इपिडेमिक बीमारी से, यही बता रहे थे ना आपको। पैंडेमिक डिजीजेस बहुत कम आता है, बोलते हैं जैसे 1947 में एक आया था, ये प्रैक्टिकली यूज में नहीं है। पैंडेमिक डिजीज के बारे में पूछा जाता है, एक दो नाम याद कर लीजिएगा, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है, ये आया था पक्सिनिया ग्रैमिनिस से आया था, आपको ध्यान रखना है। स्पोरेडिक्स भी इतना पूछा नहीं जाता है, जो छोटी छोटी बीमारी है जैसे सोरगम का स्टंट, ये है फ्यूजरियम विल्ट ऑफ कॉटन, लूज स्मट ऑफ वीट, ये सब बेसिकली आपको स्पोरेडिक है। आपके काम का यही दो है, इपिडेमिक है जो कि जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और पर्टिकुलर रीजन्स क्रॉप में होता है, और इंडेमिक्स समटाइम्स क्या होता है ना, आप क्वेश्चन यही घुमाया जाता है ना, कभी कभी जो इपिडेमिक आपका जो इंडेमिक होता है, इंडेमिक जब उसकी इंटेंसिटी हाई होती है तो कभी कभी वो इपिडेमिक बन जाता है। जैसे बहुत बार देखा गया है जो सिट्रस कैंकर किसी किसी जगह पर इतना ज़्यादा डैमेज किया है जो इंडेमिक बन गया है, बट इंडेमिक डिजीजेस कभी कभी एपिडेमिक ब्रेक हो सकता है, देर आर चांसेस। एग्जाम्पल देखिए सिट्रस कैंकर एशिया में आपको देखिएगा तो हाँ बेसिकली एशिया में इंडेमिक है, बट ये देखिएगा फ्लोरिडा में इतना ज़्यादा डैमेज किया यूएसए में जो ये एपिडेमिक में आ गया, ठीक है। कॉर्न का जो डाउनी मिल्ड्यू है वो है तो इंडेमिक, बट कभी कभी हो जाता है फिलीपींस में, देखिएगा इसका ऐसे एग्जाम्पल से याद रखिएगा, फिलीपींस में एपिडेमिक्स हो गया, मतलब इसके स्प्रेड से डैमेज बहुत हुआ, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आई थिंक हम इसको मंडे को देखेंगे,
ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कंसाइज चीज़ें जैसे हम आपको बोल रहे थे, जो नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस के बारे में इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो आपको एक स्लाइड्स में रहेगा, और ये नोट्स नॉर्मली हम शेयर कर देंगे, आप ऐप पे फ्री अवेलेबल होगा, आप शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। ये सब हम आपसे डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। आई थिंक एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कभी कभी, आरबीएल के बारे में बहुत ये होती है ना, जो आपको पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा। आरबीएल किस तीन टाइप का होता है, जाइलम लिमिटेड, फ्लोएम लिमिटेड और नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इसका ना एग्जाम्पल्स इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, आरबीएल का टाइप्स, ठीक है, इसको बताएंगे। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जो इसका ट्रांसमिशन होता है नॉर्मली देखिएगा, पूछा जाता है क्या, जो आपको जो लीफ हॉपर, जो सेकेंड बोलते नहीं, जो वेक्टर के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है, वेक्टर बॉर्न है, तो वेक्टर बॉर्न में देखा जाता है जो ये पार्टिकुलरली डिजीजेस कौन से वेक्टर के द्वारा किया गया, एफिड की वाइट फ्लाई की हॉपर किसके द्वारा किया गया, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको एक बार हम देखेंगे। ये देखिए जाइलम लिमिटिंग है बेसिकली, ये देखिएगा डिजीज आपका ग्रेप में आता है ये। फ्लोएम लिमिटेड में देखिएगा सिट्रस का ग्रीनरी होता है, इस वजह से होता है। येलो ऑफ ग्रेप वाइन है, ये नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक्स में आपको बहुत छानना पड़ेगा, आपको मैं फिल्टर आउट करके दिया हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोंड का लीफ स्कॉर जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम लिमिटेड होता है। सिर्फ आरबीएल नहीं होगा, क्वेश्चन ना ट्रिकी ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सब इम्पोर्टेंट है। फ्लोएम लिमिटेड में आपको सिट्रस ग्रीनरी है, या पोटैटो का लीफ स्टंट जो हम पीछे देखे हैं इसके द्वारा होता है, या व्हीट में आप क्लोसिस ऑफ व्हीट है, तो ये सब क्वेश्चंस ना आरबीएल से के द्वारा आता है। देखिए सिट्रस कैंकर आप देख सकते हैं, एप्पल का फायर ब्लाइट देख सकते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है, बैक्टीरियल डिजीजेज है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको माइकोप्लाज्मा से आपको देखिएगा तो सिसम फिलोडी है, एग प्लांट्स है। स्पायरोप्लाज्मा से आपको देखिएगा तो ये दो बीमारी है, कॉर्न का स्टंट है, सिट्रस का। तो नॉर्मली अब देखिएगा फंगस साइड कर दीजिएगा, तो आपको वायरस बैक्टीरिया से जो आरबीएल से जो भी डिजीज है वो आपको एक दो पेज में कवर हो जाएगा, और तीन चार पेज में फंगस का, तो आपको फंग जो डिजीजेज है वो पूरा बास्केट तैयार हो जाएगा क्लासिफिकेशन के साथ इस तरह से, और आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए यूकेरियोट में आप देखिए प्रोटोजोआ से क्या होता है, देख रहे हैं प्रोटोजोआ से। अब कभी कभी मैं फोटो इसलिए डालता हूँ ताकि आपको याद रहे, हॉट रॉट ऑफ कॉटन, रेड डस्ट ऑफ मैंगो, देखिए फंगस का जो विल्ट होता है ये है। प्लांट से देखिएगा जो ब्रूमेज ऑफ टोबैको है, ये एक्सक्लूसिव एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। और नेमेटोड जो होता है एनिमल, बेसिकली जो नेमेटोड्स को लोग डिजीज बीमारी जो हम पढ़ते हैं ना, ये फंगस से नहीं आता है, ये एनिमलिया कैटेगरी में आता है, ये रूट नॉट, बहुत सारे नेमेटोड्स है, नेमेटोड का हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो इसमें अब क्वेश्चन अलग अलग राइज होता है, जो रस्ट है तो कौन सा रस्ट किस में आता है, वाइट रस्ट किस में आता है, जैसे पूछा जाएगा वाइट रस्ट। अब वाइट रस्ट है तो किस किस में आता है, मस्टिकोमाइकाटे में, कौन सा उसका फैमिली है, लोअर फंगस है, हायर फंगस है, उसका स्पोर कैसा बनता है, किस टाइप का स्पोर बनता है उसका, ये किस में लगता है, आपको मैच करने वाले में लिख दिया जाएगा, ये टोमेटो में, पोटैटो में किस में लगता है, तो कोल क्रॉप में लगता है, क्रूसीफेरस में लगता है ना, ठीक है। ऐसे ही रेड रस्ट, अब आपका येल्लो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, तो आप देखते हैं ये आपको बेसिडियोमाइकोटिना से लगता है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ना, क्वेश्चंस ना वो बुक्स छानने से नहीं, आप पढ़ के ना क्वेश्चंस खुद से इमेजिन करिए, और तब बनाइए, तब बनाने की कोशिश करिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ना, भागने की कोशिश मत करिए, जब दो दो लाइन लिख के याद कर लिए ना, आपको क्वेश्चन सब यहीं से बनेगा। रस्ट पढ़े तो रस्ट क्या क्या रस्ट आता है, और किस किस क्रॉप में, आप क्रॉप में जाके बीमारी मत पढ़िए, क्योंकि एक एक क्रॉप में आप पढ़िएगा ना, तो कम से कम 100 क्रॉप है ना, फील्ड क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, वेजिटेबल्स है, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो हर क्रॉप में ये बीमारी होता है, बीमारी पढ़ लीजिए और वो इम्प्लाई कर दीजिए उस फैमिली में आएगा, ठीक है। ये हमने देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। जैसे देखिए हम एक और चीज़ आपको बताते हैं,
ध्यान से समझिएगा, आपको ना जैसे हम इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताते हैं तो आसानी से कैसे पढ़ना है। देखिए जितना इंसेक्ट आता है ना नॉर्मली देखिएगा तो या तो जो बेसिकली अभी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, मेनली इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा टर्माइट आता है जो जमीन के नीचे, जमीन फोलियर दो ही जगह आएगा ना, सॉइल पेस्ट होगा या फोलियर होगा। सॉइल में देखिएगा तो टर्माइट है, वाइट ग्रब है, वायर वर्म है और नेमेटोड का जो डैमेज है ये नेमेटोड आता है, ठीक है। फोलियर में आपको देखिएगा तो दो टाइप से आता है फोलियर, या तो वो फीडर होगा, बोदद होगा, छेदक होगा खाने वाला, या तो सकिंग पेस्ट होगा। बहुत सिंपल है ना, आप लोग पता नहीं वो 500 पेज छान मारते हैं बट आपको अभी तक क्लियर नहीं होता है ना। है तो इतना सिंपल, मुझे तो नॉर्मली एक एक सब्जेक्ट का 10 पेज का नोट्स है, उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब बोदद क्या हो सकता है, स्टेम बोदद हो सकता है, सूट सूट बोदद हो सकता है, शूट बोदद हो सकता है, लीफ फोल्डर हो सकता है, लीफ बेबर हो सकता है, लीफ माइनर, या बीटल जो होता है जो डैमेज करता है, या आर्मी वर्म है जो आपका आर्मी वर्म जो कटर होता है जिसमें फॉल आर्मी वर्म्स इस तरह से आता है। ऐसे बोलर में आपको जितने आ जाते हैं ना जो बॉल वर्म्स ये सब, तो ये इतने जो फीडर्स हैं ना वो फीडर बेसिकली डायरेक्टली डैमेज करते हैं। सकिंग में देखिएगा एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, हॉप, बेसिकली लार्जली यही आता है ना, हो गया। अब कहाँ हम अपना इसी में अब कंफ्यूज रहते हैं ना, क्या ये फीडर है कि बोलर है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये किस में क्या लगेगा, आप क्रॉप वाइज ना डटते रहते हैं। क्रॉप वाइज डटने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मैं ट्रिक बताता हूँ एक चीज़ ना, आप ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए पल्सेस लगेगा, पल्सेस, तो पल्सेस वाले क्रॉप में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पल्सेस में ना आपको जो फ्रूट बोलर जो होता है ना फल छेदक, उसका अटैक बहुत ज़्यादा होगा फ्रूट बोदर का, ठीक है। फ्रूट बोदर चाहे आप चना है, मटर है, खेसारी है, कोई भी है, सोया है ना, सब में होगा। जिसमें पल्सेस है उसमें आपको बोदर का अटैक ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको जैसे ऑयल सीड है, ऑयल सीड में देखिएगा ना बोदर का अटैक नहीं होता है, बहुत कम होगा, सिर्फ लीफ कटिंग का या पत्ते काटने वाले कीड़े लगेंगे। ये सब बड़े बड़े बोरर्स, स्टेम बोरर्स, ये सब का अटैक्स नहीं होता, अटैक होता है। इसमें क्या है, आयल सीड में एफिड जैसिड का अटैक होगा, सकिंग का, जो क्रूसीफेरस फैमिली होगा उसमें इसका अटैक आता है। अब क्रॉप से मत पढ़िए ना, क्रॉप का नेचर समझिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा देन कि उसको याद करने की कोशिश मत करिए। हर कैरेक्टर का, हर चीज़ का ना एक रोल होता है ना। अब इसका कंट्रोल करना है तो वैसे ही, अब जो डिफरेंट डिफरेंट सकिंग पेस्ट है उसका नेचर अलग अलग होता है। जैसे आप लोग, हम लोग माउथ पार्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा इंसेक्टिसाइड जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं, दवा का नाम ही समझ में नहीं आता है कि भाई क्या याद करें क्या याद करें। दो टाइप का होता है इंसेक्टिसाइड, कॉन्टेक्ट है, सिस्टेमिक है। जैसे आपका क्लोरो, प्रोफेनो, इमामेक्टिन, लैमडा, फिप्रो, ये सब कॉन्टेक्ट है। सिस्टेमिक में देखिएगा तो साइपरमेथ्रिन, इमिडाक्लोरोपीर, थायमेथोक्स। स्पेलिंग थोड़ा सा मैं जल्दी में टाइप किया था, माय अपोलोजी, स्पेलिंग पे मत पढ़िएगा, बट फंडामेंटल यही है आपको, बिप्रोफेंजिन, डाइनेटोफुरान, एसिटामेप्रिड, इस तरह की चीज़ है। अब पॉइंट ये उठता है ना, जो आप लोग बोलते होंगे क्या जो सर आप इतना ईजी कैसे कर लेते, है इतना ही चीज़ कुछ है। अब इसमें कॉन्सेप्ट में बताना आपको ये चाहता हूँ, जैसे देखिएगा कभी भी आप देखिएगा कॉम्बिनेशन दवा बनाई जाती है, तो कॉम्बिनेशन क्यों बनाई जाती है, कभी भी देखिएगा ना इसका कॉम्बिनेशन है क्लोरो प्रोफेनो का नहीं होगा, क्लोरो इमिमा का नहीं होगा, हमेशा देखिएगा क्लोरो प्लस साइपर कॉम्बिनेशन होगा, प्रोफेनो प्लस साइपर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, लैम्डा प्लस थाया का कॉम्बिनेशन होगा, फिप्रो प्लस इमिडा का कॉम्बिनेशन होगा। एक कॉन्टेक्ट एक सिस्टेमिक का किया जाता है ताकि जो बोरर्स हैं और सकिंग पेस्ट है ना दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता होता है क्या, जो आप देखिएगा इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत कम, साइपर इमिडा का नहीं मिलेगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन इंटरनल कम होता है, तो इसलिए कॉन्टेक्ट सिस्टेमिक का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही फंजीसाइड में भी ऐसे ही काम करता है, कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक का कॉम्बिनेशन होता है ताकि आपको दोनों काम करे, ये एक रीजन होता है, ठीक है।
एक लास्ट चीज बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग, सकिंग, मैंडिबल चोइंग टाइप का, वो पढ़ पढ़ के कन्फ्यूज रहते हैं ना, उससे बचने का उपाय बताते हैं। देखिए, अभी जो हम आपको बता रहे थे ना, जो ईटर जो होता है, बोरर होगा या फीडर जो होता है, और सकिंग होता है, दो ही होता है ना, ठीक है। तो जो च्यूइंग करने वाला, ये सब जितने होगा ना, इसका नेचर अलग होगा और सकिंग का नेचर अलग होता है। सकिंग पेस्ट का ये नहीं मतलब होता है ना सबका माउथ पार्ट सेम होता है, ठीक है। किसी का लैसरेटिंग होता है, किसी का पियर्सिंग एंड सकिंग होता है। तो आप जो नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते ये हैं, जैसे दवा अलग अलग क्यों बनाया जाता है? सकिंग के लिए एक ही दवा बना देना चाहिए, चूसक है, एक दवा मारो मर जाता है, नहीं मरता है, क्यों? क्योंकि जैसे थिप्स देखिएगा, थिप्स का जो माउथ पार्ट्स होता है ना, वो पियर्सिंग सकिंग नहीं होता है, लैसरेटिंग होता है। फंडामेंटल्स है ना, आप थोड़ा रेफर करिएगा। तो थिप्स क्या करता है ना, जैसे आप देखिएगा, लीफ का ये LS सेक्शन काटा गया है, उसमें देखिएगा, आपको ये क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन है। आप जिस यूट्यूब के पीछे भागते हैं ना, या तो उनको पता नहीं होता है, या आपको ऐसी क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन बताएंगे नहीं। देखिए, अलग अलग जैसे होता है, जैसिड है, आपको हॉपर्स है, एफिड है, वाइट फ्लाई है, थिप्स है। अब देखिए, आपका नॉर्मली एफिड है, जैसिड है ना, इसका ना पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ होता है। ये क्या कहता है, पंच करता है और जाइलम है, फ्लोएम रीजन से सक सक करता है। तो जैसिड जो है, हॉपर है ना, नॉर्मली देखिएगा ना, फ्लोएम रीजन, मतलब ये जाइलम रीजन से अपना फूड लेता है, जाइलम रीजन से जैसिड। एफिड, वाइट फ्लाई, ये है, ये सब फ्लोएम रीजन से, इसको देखिएगा, इसका फ्लोएम जो है, फ्लोएम रीजन, वहां से ये अपना सक करता है। तो दोनों है, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होता है। थिप्स है, लैसरेटिंग है। थिप्स क्या करता है ना, आप लोग यही है, जब पढ़ते हैं ना तो ध्यान नहीं देते हैं। देखिएगा, जब थिप्स जो है, वो लीफ के, थिप्स का जो डैमेज होगा, थिप्स माइट का हम बताते हैं, माइट पत्ता के नीचे होता है, जो माइट, थिप्स का डैमेज नॉर्मली ना नीचे होता है, लेकिन डैमेज ऊपर करता है थिप्स, इसलिए बोला जाता है, जब थिप्स का डैमेज होगा तो जो लीफ होगा सक करेगा, तो अपवर्ड कर्लिंग होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा भाई यहीं से, थिप्स का डैमेज कैसे पहचानेगा? तो पत्ता ना अपवर्ड कर्लिंग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सक, यदि आप, ये पत्ता है, यदि ऊपर से आपने न्यूट्रिएंट लिया है, यदि सक किया है, तो पत्ता ऐसे मुड़ेगा। सिमिलरली जब माइट है, माइट पत्ता के नीचे से सक करता है, तो उस वजह से ना डाउनवर्ड कर्लिंग होता है। तो यही है, थिप्स माइट्स का जो डैमेज होता है, अपवर्ड कर्लिंग या डाउनवर्ड कर्लिंग। और यही है, जो थिप्स का जो डैमेज है, उसमें थिप्स क्या करता है, सक नहीं करता है, लैसरेट करता है। लैसरेटिंग का भाई मतलब क्या होता है, तो ये क्या कहता है, खुरचता है, ये पत्ते को खुरचेगा, खरचने के बाद होगा क्या, ऊपर से जो लिक्विड है उसको ना सक करता है। तो इसके लिए जो दवा इस पे काम करेगा, थिप्स पे काम नहीं करता है, इसके लिए थिप्स के लिए अलग कंट्रोल करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है ना, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सकिंग का, बोरर का, तो आपको ना ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, आई थिंक मंडे को हम करेंगे आगे। ये हम सिलेबस बेसिकली, पेपर वन पेपर टू का जो देख रहे थे, ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, दिया हुआ है। परसों से हम लोग, हमारा ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस रहेगी आपकी 3 क्लासेस, सुबह में 1 क्लासेस और शाम में 2 क्लासेस चलेगी। ऐप पे मेरे साथ 5 एजुकेटर हैं, वो हम आपको बताएंगे। संडे को आपको 2 क्लासेस एक्स्ट्रा रहेगा, इसके अलावा आपको 10 से बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। टेस्ट आपको ना, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं ना, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पे एक ऑप्शन है ट्रायल क्लासेस, तो ट्रायल में हम आपको प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, आप जरूर ज्वाइन करिए, सुबह कल 10 से 12 में रहेगा, ठीक है? आप देखिएगा क्या, जो लाइव टेस्ट देने पर आप अपनी रैंकिंग और ये चेक कर सकते हैं। 2 से 4 अपना क्रैश कोर्स में मैराथन क्लास है कल, वो भी ट्रायल है, अब जो एडमिशन नहीं भी लिए हैं वो देख सकते हैं, ये आपको गौरव सर लेंगे, गौरव सर सॉइल साइंस का लेंगे, ठीक है? ये हमारे एजुकेटर का पूरा पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं ना कितने हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं। आपको क्लास सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अकेले करते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, और एक होती है ना एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि आपको सपोर्ट करेगी इसके लिए। कल जो टेस्ट हम लेने वाले हैं, आपको 10 से 12 है कल, 12 बजे तक फुल लेंथ टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चंस का, उसमें आपको ऐसे ही करेंगे, आप लोग ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे
हम यहाँ पे क्वेश्चन डाल के, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आपको ए बी सी डी करना है, टाइम हम लगाएंगे, आपका जो आंसर आएगा तो वो करेक्ट आंसर फिर बता, फिर आपकी रैंकिंग पता चलेगी जो कितने लोगों ने सही बताया कितने लोगों ने ये। तो आप इस टेस्ट को जरूर अटेंड करें, और वीकली हमारा टेस्ट रहेगा एवरी वीक। देखिए आप आंसर करेंगे तो ऐसे दिखेगा, आप ना यहाँ यूट्यूब के पीछे मत भागिए जो लोग करते हैं, आप यहाँ पे ऐप पे आके टेस्ट दीजिए, और ये टेस्ट देने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करिए। आपको एडमिशन नहीं भी लेंगे तब भी आप टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, फाउंडेशन क्लास फुल कोर्स नोट्स के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिर्फ ऐप इंस्टॉल करके कर सकते हैं, इसको आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको कोई इश्यू होगा आप हैंड रेज करके आप अपना या मैसेज कर सकते हैं, क्लास के बीच में भी हम लोग अपना रिप्लाई करेंगे। कल संडे स्पेशल में आपके देखिएगा, यही मैं आपको बता रहा, 10 बजे मॉक टेस्ट होगा, पेपर 1 का हम कल टेस्ट लेने जा रहे हैं ऐप पे, और कल ये आपका मैराथन क्लास है, गौरव सर का लेंगे आपको सॉयल साइंस पे। ठीक है, आज दोपहर का रिकॉर्ड है, आज हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं ऐप पे, इतने लोग एडमिशन ले लिए हैं, तो आप लोग जो लोग जो डिसीजन लेना चाहते हैं ना लीजिए जल्दी, और उसके साथ ना फिर उसके बाद तैयारी करिए ना, ये रोज डिसीजन मत लीजिए जो हाँ करे ना करे ना, वो करके मत लीजिए। इतने लोग हैं क्या जो अभी इनरोल हो चुके हैं हमारे साथ, एक अच्छी अचीवमेंट है हमारी इतनी कम टाइम में। 15 से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 15 से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, आपको मैं शेड्यूल शेयर कर दिया हूँ दोनों के लिए, यही आपका रहेगा। तो जो भी लोग एटलीस्ट जो नए लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल से हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इसको बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो अपडेट होगा हम बेटर से बेटर दे सकेंगे। और कोई और अपडेट के लिए ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको हम उसमें ऐड कर दें, और ये बहुत ही क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लें क्योंकि इसके बाद मौका दोबारा मिलेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। और ये 15, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बैच 15 से स्टार्ट हो रहा है, अभी आपका फी का जो डिस्काउंट्स है वो कल तक के लिए है, 14 तक के लिए है, 14/1/24 के लिए है, कल लास्ट डे है, कल मिडनाइट के बाद नॉर्मली जो आपका अभी जो 8,000 फी है वो मुझे मैसेज देने के लिए बताया गया था, वो मैसेज दे दिया हूँ, ये फी हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, आप लोग मुझे ना नोट्स और इसके लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, तब ये सब के लिए आप मुझे बाद में ना फॉलो मत करिएगा, आप जो आनंद सर हैं या जो टीम है निखिल सर हैं आप बस उनसे आप डील करिएगा या उनसे बात करिएगा, और आप निर्विघ्न होके करिए। आपको यदि ऐसा लगे क्या जो आपको ना मतलब लेना चाहिए ना लेना चाहिए, आपको 8 में लेना है कि 12 में, आप डिसाइड करिए। लेने के बाद भी आपको यदि कोई नहीं इशू होती है ना तो आप 30 तक करिए, 31 जनवरी तक करिएगा, आपको कोई इशू लगेगा तो आप, मैं लिख के देता हूँ आप 1 फरवरी को फेब को आप रिफंड अपना ये कर सकते हैं, आपको यदि नहीं सूट करे तो। सोचिए मत इतना, आपको जब ये ऑप्शन दे रहे हैं तो आप इतना सोचिए मत ना, या इतना कोई ऐसा रिस्क नहीं है, बट समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और कल आप लोग 10 से 12 वाला टेस्ट अटेंड करिए, और मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल 10 बजे मॉक टेस्ट के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।